सपा सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रह चुके माता प्रसाद पांडे को अखिलेश यादव एक बार फिर बड़ा जिम्मा सौंपने वाले हैं। खबर है कि उनको नेता विरोधी दल बनाया जा सकता है। यूपी की राजनीति में माता प्रसाद का बड़ा हस्तक्षेप माना जाता है। इसके साथ ही वो समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा भी हैं। सूत्रों की माने तो राम गोविंद चौधरी के चुनाव हारने के बाद पार्टी में उनके नाम पर मंथन भी शुरू हो गया है। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और पीएसपी प्रमुख शिवपाल सिंह यादव के बीच शनिवार को भविष्य की रणनीति पर लंबी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक उसमें माता प्रसाद पांडे को विधानसभा अध्यक्ष बनाने पर भी चर्चा हुई। उधर अखिलेश यादव ने पार्टी के जीते विधायकों की 21 मार्च को बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इसमें नेता विरोधी दल के नाम पर मुहर लग सकती है। जानकारों के मुताबिक अखिलेश यादव ने चुनाव परिणाम के बाद चाचा शिवपाल को बातचीत के लिए बुलाया। दोनों के बीच ये मुलाकात समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली इस मुलाकात में चुनाव नतीजों के बाद बनी राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर भी चर्चा की गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।